नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो है भाई, मेरे जो है घर के जस्ट बाजू में जो है भाई एक बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अगर आपको जो है बैकग्राउंड में नॉइज आया तो भाई संभाल लेना, अगर नॉइज नहीं आया तो अच्छी बात है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए क्रिकेट के फैन हो, सब्सक्राइब तो पक्का याद से ही कर लीजिए। आज जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्दिक पांड्या की रिकवरी के साथ में। तब यहाँ पे जो है इंडिया के स्ट्रेंथ के जो कोच थे उन्होंने भाई बताया है कि जो हार्दिक पांड्या है वो फिलहाल कम्प्लीटली फिट और स्वस्थ हो चुके हैं, डायरेक्टली जो है क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है भाई, पांड्या को जो है काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अभी तक जो है पांड्या कम्प्लीटली फिट भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं DDCA की। तब यहाँ पे जो है हाल ही में DDCA के भाई सेक्रेटरी जो है पकड़े गए थे फंड्स के घोटाले में, जिसके बाद जो है भाई अपनी BCCI ने कहा कि हम जो है आपको फंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद जो है अभी जो है भाई अपनी DDCA ये लोग जो है बहुत ही बड़ी मांग कर दी है दोबारा से री इलेक्शन की, मतलब कि जो भाई दिल्ली के पूरा क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अंदर जो है दोबारा से री इलेक्शन की मांग की है। जो जो अपने पोस्ट पे थे सबका जो है दोबारा से चुनाव किया जाएगा। बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज की। इस जो है सीरीज को लेके बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है मार्केट में, जहां पे इंडिया जो है जाएगी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने को लेके। सबसे पहले जो भाई ऑसीज के बोर्ड ने एक जो है बात कही कि हम लोग जो है 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे, जिसको लेके जो है अपनी जो है भाई BCCI ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले कि हम लोग जो है लॉकडाउन के बाद जो है सारी चीज को डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए भाई ऑस्ट्रेलिया में विंडो मैचेस जो है खेलने के लिए अवेलेबल हो गई, तब यहाँ पे जो है एक और ऑप्शन दिया है भाई अपने BCCI ने, वो दिया है 2 वनडे मैचेस या फिर 2 T20 मैचेस का भी। तो अभी देखते हैं कि क्या टेस्ट मैच होगा या वनडे होगा या फिर T20 होगा। अब बात करते हैं युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह और MS धोनी के बारे में। हम सभी को पता है योगराज सिंह और जो धोनी है इनके बीच में जो भाई संबंध है, जो है भाई रिलेशन, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद जो भाई युवराज सिंह ने जो है अपना जो है इंटरव्यू दिया, उसके अंदर जो है भाई धोनी के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिए। युवराज सिंह ने कहा कि धोनी ने जो है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में क्रिकेट खेला है, लेकिन धोनी ने उन क्रिकेटर्स को क्या दिया है, ये जो है बहुत ही बड़ा जो है आरोप धोनी के ऊपर लगा है। उसके साथ जो भाई युवराज सिंह ने कहा कि इसमें जो है सबसे बड़ी मिसाल है वो है सौरव गांगुली, जहाँ पे जो है गांगुली बहुत ही अच्छे कप्तान थे और वो जो है अपने सभी प्लेयर्स का ध्यान भी रखते थे। अब बात करते हैं वर्ल्ड T20 2020 की। अगर आपने कल का लाइव देखा होगा रोहित शर्मा और डेविड वार्नर के साथ में, तब आपको जो है एक बात तो मालूम होगी कि यहाँ पे जो है वार्नर ने बहुत ही सरल और साफ जो है शब्द में कहा कि वर्ल्ड T20 2020 जो है ऑस्ट्रेलिया में ये साल होना वार्नर को पॉसिबल दिखाई देता नहीं है। भाई वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के देश के है, वहीं पर रहते हैं, तब उनको सारी जो है बात इन्फॉर्मेशन पता होगी कि उनके देश की हालत कैसी है और क्या वर्ल्ड T20 2020 ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कि नहीं। तब यहाँ पे जो है वार्नर की माने तो वर्ल्ड T20 2020 जो है ये साल ऑस्ट्रेलिया में होना जो है पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की, जो कि आ रही है हमारे भाई डायरेक्टली BCCI के हवाले से। यहाँ पे जो है टीम इंडिया भी जो है एक टाइम पे बहुत सारे मैचेस खेल सकती है, टेस्ट, वनडे और T20 ये जो है एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे चलेंगे, जिससे कि जो है जितना पैसा लॉस हुआ है वो जो है भाई आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर हो सकता है। सबसे पहले जो है इंग्लैंड में इस जो है फॉर्मूले को आजमाने की बात हुई थी कि एक ही टाइम पे जो है हमारी टीम टेस्ट भी खेलेगी, वनडे भी खेलेगी और T20 भी खेलेगी अपने हिसाब से, और यही बात जो है भाई अपने टीम इंडिया तक भी पहुंच चुकी है और इंडिया भी जो है साइमल्टेनियसली एक ही मतलब कि एक ही दिन में जो है तीनों फॉर्मेट खेल सकती है, तब जिससे कि जो पूरा पैसा जो उनका लॉस हुआ है वो भाई कवर हो सकता है। अब बात करते हैं भाई अपने BCCI के चीफ सिलेक्टर सुनील जोशी की। तब यहाँ पे जो है सुनील जोशी ने कहा है कि हम जो है क्रिकेट जब दोबारा स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होने वाला है T20 के फॉर्मेट से। यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत ही बड़ा जो है नाम लिया है, वो लिया है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। तब भाई ये जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है, जब जो है दोबारा क्रिकेट चालू होगा इंडिया में वो जो है T20 के फॉर्मेट से होगा, शायद से जो है सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट से ही चालू हो जाए।
अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है गौतम गंभीर आईपीएल के इतिहास में इकलौते ऐसे हैं भाई खिलाड़ी भाई जिन्होंने जो है आईपीएल में कुल 12 अलग फ्रेंचाइज के सामने हाफ सेंचुरी मारी है। पहले जो है डेक्कन चार्जर्स, गुजरात, पुणे, कोची, ये सब जो है खेलते थे और कुल मिला के जो है गंभीर ने 12 अलग टीम के सामने हाफ सेंचुरी मारी है आईपीएल के इतिहास में, जो कि इकलौते ऐसे खिलाड़ी है। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं आपको जो है कल दोबारा से मिलता हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।